वेलकम एवरीवन। अब अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है इनवर्स फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है। कहने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन f है जो x पे वैल्यू a दे रहा है, तो एक फंक्शन होगा f इनवर्स, वो a इनपुट लेगा और वो आउटपुट देगा x, यानी किस वैल्यू पे a आउटपुट मिले वो आपको दे देगा। ये इनवर्स फंक्शन का डिफिनेशन है। एफ ऑफ एक्स अगर ए है तो एफ इनवर्स ऑफ ए इज़ एक्स, ठीक है ना। ये इनवर्स फंक्शन होता है, जैसे इनवर्स रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि किन फंक्शन को इनवर्स निकाल सकते हैं, कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल हैं। सारे फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते हैं, क्योंकि फंक्शन की एक ख़ास डिफिनीशन है। इनवर्स क्या है? एक फंक्शन है। और फंक्शन की एक डिफिनीशन क्या थी? फंक्शन की डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा था पहले, when each element has one and only one image in set B। या each element के बदले लिखे यहाँ पे every element of set A, when every element of set A has one and one image in set B। यही पढ़े थे कि सेट A से B अगर फंक्शन तभी होगा जब A के सारे एलिमेंट का इमेज बने, एवरी एलिमेंट, और एक ही इमेज बने, यानी इधर से दो एरो नहीं निकलना चाहिए। अगर दो निकल गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, एक ही निकलना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपका फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए, ये फंक्शन की डिफिनेशन थी हमारी। तो अब देखिए हम लोग इन्वर्स में कर क्या रहे हैं। बेसिकली अगर ये ए है और ये बी है, तो फंक्शन क्या कर रहा था? इसको इससे कनेक्ट कर रहा था, ये एफ कर रहा था कि आप ए पुट करो तो यह आपको वन मिल रहा था। अब एफ इन्वर्स क्या करेगा कि ये वन लेगा और ए देगा, यानी एफ इन्वर्स आपका इधर से चलेगा, है ना। तो अगर ए पे वन मिल रहा था और कोई एलिमेंट बी था उस पे भी वन मिल रहा था, तो एफ इन्वर्स वन पे भी ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है। तो एफ इन्वर्स फंक्शन हुआ ही नहीं, एक ही वन पे दो आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है ही नहीं। यानी एफ अगर मेनी वन है तो इसका इन्वर्स फंक्शन है ही नहीं, यानी ये इन्वर्टिबल नहीं है। तो एफ मेनी वन नहीं होना चाहिए, यानी वन वन होना चाहिए। एक कंडीशन आ गया, एफ हैज़ टू बी वन वन। अगर फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो वन वन होना पड़ेगा उसको, वन वन होना पड़ेगा। और दूसरा, अगर दूसरा फंक्शन का डेफिनेशन था कि सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यानी इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए, इसमें कोई खाली रहेगा तो वो फंक्शन हुआ ही नहीं। उसी तरह अगर बी अगर ऑन टू नहीं था, इन टू था, यानी इसमें कुछ खाली रह गया था, तो इसका एफ इन्वर्स में क्या इमेज मिलेगा? कुछ नहीं। अब ये एफ इन्वर्स के लिए डोमेन क्या है? बी है डोमेन। इस पे इनपुट यहाँ से ले रहा है, आउटपुट ए में दे रहा है, तो अगर बी में कुछ खाली रह जा रहा था तो उसका आउटपुट मिलेगा ए में, एफ इन्वर्स में। एफ इन्वर्स के मिरर में, एफ इन्वर्स मशीन में इसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा सेट ए में। तो यानी ये फंक्शन अभी भी इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि कुछ इनपुट तो आउटपुट दे ही नहीं रहा है। यानी ये खाली कोई नहीं होना चाहिए, यानी ऑन टू भी होना पड़ेगा। इसलिए वन वन ऑन टू को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते थे। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है ना। मेनी वन और इन टू अगर फंक्शन हो गया, दोनों में से कोई भी एक हो गया, तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। आपको पिक्चर समझ में आ रहा है? क्योंकि एफ इन्वर्स में हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, इसलिए ऑन टू तो रखना पड़ेगा, और वन वन होना चाहिए। मेनी वन हो गया तो एक का फिर दो इमेज बनने लगेगा इन्वर्स में, रिवर्स में, है ना। तो ये कंडीशन आ गई कि ओनली वन वन ऑन टू फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। बाइजेक्टिव फंक्शन ही केवल इन्वर्टिबल होता है, यानी जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसी डिफिनेशन से आया, फंक्शन के डिफिनेशन से निकाले हैं हम लोग कि ओनली वन वन ऑन टू फंक्शन आर इन्वर्टिबल, ठीक है ना। क्या आ गया? ओनली वन वन एंड साथ ही साथ ऑन टू भी होना चाहिए, ओनली वन वन एंड ऑन टू
फंक्शंस आर इन्वर्टिबल, ठीक है, यानी किसी को फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उसको वन वन एंड ऑन टू होना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए विडंबना बड़ी अजीब हो गई है। क्या विडंबना हो गई है कि सिर्फ वन वन ऑन टू फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, लेकिन हमें इन्वर्टिबल वैसे भी चीज़ों का चाहिए, इन्वर्स हमें वैसे भी चीज़ों का चाहिए जो इन्वर्टिबल है ही नहीं। जिसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है आपका, ये देख लीजिए, जैसे साइन 30 डिग्री आपका क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। लेकिन हम ये तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि भैया हाफ जो है वैल्यू किस एंगल पे मिलता है। भाई ये एकदम क्लासिक एग्जांपल ऑफ इन्वर्स फंक्शन है, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि किस एंगल पे वैल्यू हाफ मिलता है। अब ये जो साइन फंक्शन होता है आप पढ़े थे, ये मेनी वन होता है। साइन 30 भी हाफ हो रहा है, साइन 150 भी हाफ होता है, क्या होता है, साइन 150 भी हाफ होता है। आप सबको साइन का ग्राफ हमेशा याद रखना चाहिए। साइन का ग्राफ आपका ऐसा था, ये 180 है और ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है 90 पे, अभी मैं डिग्री में बना दे रहा हूँ। तो हाफ अगर आ रहा है 30 पे तो इधर भी हाफ आएगा, 180 से उतना 30 इधर कर दीजिए यानी 150 पे, है ना। तो साइन देखिए दो एंगल पे सेम वैल्यू दे रहा है, तो आप इन्वर्स में डिफाइन कैसे करेंगे भाई। कोई साइन इन्वर्स सपोज़ कीजिए एक फंक्शन बना दिए, साइन का इन्वर्स एफ का इन्वर्स एफ इन्वर्स, इसी तरह साइन इन्वर्स, और ये अगर वैल्यू लेगा इनपुट में, अब क्या लेगा, ये वाला लेगा, यानी साइन इन्वर्स क्या देगा, हाफ लेगा इनपुट, और ये बताएगा कि भाई हाफ जो है साइन किस एंगल पे देता है, वो क्या हो गया साइन इन्वर्स। अब ये कौन सा वैल्यू दे भाई, 30 दे या 150 दे, और ऐसे ढेर सारे मिलेंगे। ये छोड़िए, फिर अगला फिर आएगा, फिर यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, तो इतने सारे वैल्यू हैं, कौन सा आउटपुट दे, ये आपको कौन सा आउटपुट दे। तो ये तो इन्वर्टिबल है ही नहीं ना ये फंक्शन। तो अब इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके डोमेन में से मेनी वन वाले पोर्शन को हटा देना पड़ता है। तरीका इसका क्या है, यही है, मेनी वन वाला पोर्शन हटा देना पड़ेगा। मतलब देखिए यहाँ से वैल्यू रिपीट हो रहा है, ऐसा था साइन का ग्राफ आपका ऐसा था, है ना, इधर ऐसे जा रहा था। अब आप इसमें क्या करो, एक काम करो, सबसे छोटा पोर्शन क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ जो मेनी वन वाला पूरा यूनिक है, यहाँ से यहाँ कोई मेनी वन नहीं है, है ना, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन से एक ही बार कट रहा है, इतना दूर का पोर्शन। फिर यहाँ से देखिए रिपीट होना शुरू हो गया और यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, तो हम जो साइन जो है ना इन्वर्स के लिए साइन का डोमेन हम छोटा करके इतना ही कर देंगे, है ना। यानी जिस जिस के लिए मेनी वन में से ये दो एलिमेंट पर सेम इमेज मिल रहा था, तो हम एक डोमेन में से हटा ही देंगे। हमको तो इन्वर्टिबल चाहिए ही, हमें हमारी मजबूरी है, क्योंकि साइन को इन्वर्स हमें चाहिए ही कि किस एंगल पे वैल्यू क्या मिल रहा है। तो हम उसको बोल रहे हैं, चलो भाई तुम सारे मत बताओ, हमको वो बताओ जो -190 से -π/2 से +π/2 का वैल्यू, वही बता दो हमको, ज़्यादा मत बताओ, -90 से +90 के बीच का वैल्यू दे दो। हमने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब इसमें एक ही वैल्यू आएगा, इसमें से एक ही वैल्यू पे वो हाफ हो रही है साइन 30 पे, -90 से +90 के बीच में एक ही पे साइन हाफ हो रही है, वो 30 पे अब वैल्यू दे देगा। तो अपन क्या कर रहे हैं फंक्शन के इन्वर्टिबल बनाने के लिए, डोमेन में से वो एलिमेंट हटा दे रहे हैं। यानी अगर ये एक फंक्शन ऐसा था और ये फंक्शन ऐसा था और इसका एक एलिमेंट ए और ये कम वक्त मेनी वन था, दोनों को सेम वैल्यू दे रहा है C/2, और ये अभी इन्वर्टिबल नहीं था, तो अब अपन इसको इन्वर्टिबल बना रहे हैं। ये फंक्शन डिफाइन था सेट ए से बी में, ठीक है ना, और ये एक फंक्शन एफ था A to B, ये फंक्शन अभी इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि ये मेनी वन भी है और इनटू भी है, देखिए 3 रह जा रहा है। तो इस फंक्शन को हम चेंज करेंगे इस फंक्शन को, हम एक नया सेट बनाएंगे ए प्राइम और बी प्राइम। सेट ए में से हम एक एलिमेंट को एक हटा देंगे, बी को हटा देंगे, बी हटा दिए यानी ये लाइन हट गई, है ना। अब ये जब एलिमेंट रहा ही नहीं तो ये लाइन भी नहीं रहा। अब ये देखिए वन वन हो गया है, वन वन हो गया ना अब, और बी को भी चेंज कर देंगे, बी में से ये जो 3 पड़ा हुआ है ना इधर बाहर खुल्लम खुल्ला, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसको भी हटा देंगे,
अब देखिए ए प्राइम, अब ये बन गया है ए प्राइम और बी प्राइम, चेंज हो गया सेट आपका। अब सेट ए में से बी एलिमेंट हटा दिए और इसमें से थ्री हटा दिए। अब देखिए ये क्या हो गया, वन वन भी है और ऑन टू भी है। अब ये इन्वर्टिबल होगा। अब एक इन्वर्स आप डिफाइन कर लो, ठीक है ना, जो वन पे एफ इन्वर्स ऑफ वन किस पे मिल रही वैल्यू ए देगा, एफ इन्वर्स ऑफ टू वैल्यू देगा सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर वन पे बी भी दे सकता था लेकिन बी तो अब ए के डोमेन में है ही नहीं ना, तो अब वो देगा नहीं। तो ये करते हैं हम लोग कि अगर ऑन टू इन टू था तो उसको ऑन टू बना दिए, बाकी एलिमेंट हटा दिए। अगर वो मिनी वन था तो उसको वन वन बना दिए, जिस पर रिपीट हो रहा था वो हमने हटा दिया। तो ए डैश से बी डैश लेके हमने उसको इन्वर्टिबल बना दिया। यही काम करते हैं हम लोग इन्वर्टिबल बनाने के लिए। और इस ये काम हम लोग सारे एंगल पे तो करते ही हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्री के सारे फंक्शन पे ये काम हम लोग कर देते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक के सारे फंक्शन पे हम लोग ये काम करेंगे, यानी डोमेन जो आर होता था साइन का, साइन का डोमेन क्या था, आर था साइन फंक्शन का। अब वो चेंज करके हम लोग कर देंगे उसको सिर्फ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इस पे ये वन वन था, उसी तरह कॉस का भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, टैन का भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स स्पेशल होता है, जो हमें पढ़ना भी है, पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ ख़ास काम करना पड़ता है। और हम लोग इसके लिए इतना सब कुछ करते हैं क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है कि अगर साइन किसी एंगल पे हाफ़ दे रहा है तो वो एंगल क्या है जिस पे हाफ़ दे रहा है। ये आंसर तो अपने को चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स फंक्शन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और इसी वजह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए स्पेशल मेहनत करते हैं। अब एफ इन्वर्स तो बेसिक आइडिया लग गया होगा इन्वर्स का, अब आपको थोड़ा सा इन्वर्स निकालना सिखा देता हूँ। सपोज़ कीजिए एफ एक्स आपका दिया हुआ है 2x-5, ठीक है ना, तो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स आप कैसे निकालोगे, ये क्या होगा, इसमें करना कुछ नहीं होता है। आप एफ इन्वर्स एक्स होगा क्या, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स निकालना है तो इसको ऐसे निकालते हैं। आप इसको लिखिए y इज इक्वल्स टू 2x-5, एक्स के लिए सॉल्व कर दीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा वाई प्लस 5/2। तो ये आपका जो एक्स है ना, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ y, ये ही एक्स आपका एफ इन्वर्स ऑफ एक्स बनता है, और यहाँ y के बदले x लिखा जाता है। ये है आपका इन्वर्स फंक्शन, ठीक है ना। जैसे f ऑफ 1 देखिए क्या था, f ऑफ 1 आपका था -3, यानी f इन्वर्स ऑफ -3 क्या होगा 1, यानी -3 आउटपुट किस इनपुट पे मिल रहा है 1 पे, तो वही है f इन्वर्स। f ऑफ 1 अगर -3 था तो f इन्वर्स ऑफ -3 क्या होगा 1, तो यहाँ से f ऑफ इन्वर्स ऑफ -3 निकाल लीजिए, -3 पुट किए, -3 + 5/2 यानी 1, ठीक है ना। बस यहाँ x इस एज अ फंक्शन ऑफ y निकालते हैं, फिर x को y से चेंज कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन हमेशा फंक्शन का जो फ्री वेरिएबल है ना उसको x लिखते हैं। तो f इन्वर्स भी एक फंक्शन है, तो y को जो है ना x कर दिया यहाँ पे, और x ही आपका नया y बन गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है y। अब यहाँ पे ये x जो है y पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा y लिखते हैं, तो इसको चेंज कर दिया जाता है फंक्शन बनाने में, इससे कंफ्यूज कभी नहीं होना। ये थोड़ा सा दिमाग में इसको अच्छे से बैठ कर सोच लीजिएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इन्वर्स फंक्शन सिर्फ इसी चीज़ में फंसाने के लिए सेटर जो है क्वेश्चन पूछता है कि इसको इस चीज़ में फंसाया जाए, ठीक है ना। तो इसमें फंसना नहीं है, आप बढ़िया से इंडिपेंडेंटली शांति से कोने में बैठ के इसको देख लीजिए। मेन मुद्दे की चीज़ बस ये है, ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। एफ इन्वर्स मतलब ये कि एफ ऑफ वन पे अगर -3 वैल्यू दे रहा है तो एफ इन्वर्स ऑफ -3 आपका 1 होगा, यानी किस इनपुट पे आउटपुट -3 मिल रहा है, किस इनपुट पे 1 जो इनपुट था उस पर -3 वैल्यू मिल रहा है तो वो होगा 1, यही है एफ इन्वर्स। अब इसमें -3 भी एक्स कहला रहा है। एफ इन्वर्स के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है और एफ के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, तो इस दोनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्योंकि एक्स से दिखाते हैं इसलिए यहाँ भी इसको एक्स बोल रहे हैं, यहाँ भी इसको एक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि एक्स से दिखाते हैं हम लोग, तो ये एक्स यहाँ चेंज कर दिए और ये एक्स था उसको वाई लिख दिए, वाई ही आपका एफ इनवर्स एक्स बन गया है,
ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई से दिखाते हैं, ये कन्वेंशन है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है हो जाता है। ठीक है, तो ये एफ़ इन्वर्स निकालने का तरीका है। एफ़ इन्वर्स आपका निकल गया, ये ध्यान में रखिएगा, स्टार यही है। अब एक चीज़ और ये नोटिस कीजिए कि एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स ये क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन यानी एक्स हो जाएगा ये, आप करके देख लीजिए। एफ ऑफ एफ इन्वर्स यानी क्या होता है, एफ़ के अंदर एफ इन्वर्स एक्स डालेंगे हम, यानी एफ क्या था, 2x-5 था, इसके x की जगह पे अब हम लोग क्या डाल देंगे, ये पूरा x+5/2 है ना, यानी क्या लिखेंगे, f ऑफ x+5/2, यानी f यहाँ x के बदले x+5/2 लिख देंगे, यानी 2 x+5/2-5, 2 कट गया, 5 कट गया, बच गया x। तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। तो इनवर्स f ऑफ f इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा। उसी तरह आप निकाल के चेक कर लेना, एफ इनवर्स ऑफ एफ ये भी आपका होगा आइडेंटिटी फंक्शन, यानी एफ इनवर्स में अगर 2x-5 डालिएगा तो भी आपका आइडेंटिटी यानी एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो आज ये बेसिक इनवर्स फंक्शन का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया और कैसे इनवर्स निकालना है ये डिस्कस कर लिया। अब अगले लेक्चर से थोड़ा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनवर्स का और ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स देखेंगे। थैंक यू।